हेलो गाइस, वेलकम टू फंटोश। आज हम आपको सिखाने वाले हैं हनी कॉम्ब बॉल। सो फॉर दैट वी नीड थ्रेड एंड नीडल एंड अ सर्कल ऑफ हार्ट चार्ट विच इज 6 inches इन डायमीटर, कंपस एंड पेंसिल, सीजर्स, ग्लू स्टिक एंड क्रैप शीट्स। ये मैंने 5 different कलर्स लिए हैं और मैंने 20 क्रैप शीट्स लिए हैं और इनको हम मल्टी कलर में हम यूज़ करेंगे। तो गाइस, फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग जो है ये कंपास जो है वो यूज़ करेंगे और इसको मैंने एटलीस्ट 3 inches में हमने इसको खोल दिया और अभी हम इससे इस चार्ट के ऊपर एक सर्कल ड्रॉ करेंगे। अभी हम जो सर्कल का मिड है वहाँ से हम एक लाइन यूं ड्रॉ करेंगे। अभी हम इक्वल डिस्टेंस से यहाँ पर लाइन लगाएंगे और एक यहाँ पर लगाएंगे। अभी सेंटर के इस तरफ हम लाइन्स करेंगे। जो सेंटर वाली मिड वाली लाइन है हम उसे ए का नाम देंगे और जो ये दो साइड वाली लाइन्स हैं हम उन दोनों को भी ए ए का नाम दे देंगे और जो दो ये मिड में रह गई हैं हम इनको बी का नाम दे देंगे। अभी हम एक स्क्वायर शीट लेंगे और ये स्क्वायर शीट जो है मैंने 6x6 के सीक्वेंस में कटी हुई है, 6x6 inches के। अभी हम इसको इस सर्कल के ऊपर यूँ रख देंगे और इसकी जो एजेस हैं हम उनको यूँ पेंसिल से हाईलाइट कर देंगे। सो इन केस अगर ये मूव भी करे तो हम इसको दोबारा इसकी जगह पे वापस रख सकते हैं। अभी आपने ग्लू स्टिक लेनी है और ए लाइंस के ऊपर आप इस ग्लू को अप्लाई करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल आप मिड में ए लाइन जो है उसके ऊपर अप्लाई करेंगे। और अभी बाकी जो जो एजेस पे ए लाइंस हैं उस पर भी ड्रॉ कर अप्लाई कर देंगे। अभी हम एक और स्क्वायर शीट लेके इसके ऊपर रख देंगे। पहले हमने ए लाइंस के ऊपर ग्लू अप्लाई की थी, अभी हम बी लाइंस के ऊपर ग्लू अप्लाई करेंगे। एक और शीट लेके हम इसके ऊपर रख देंगे। यूं ही हम दोबारा से ए के ऊपर ए लाइंस के ऊपर हम ग्लू अप्लाई करेंगे।
हमने जो नीचे लाइंस ड्रॉ की हुई हैं ए बी लाइंस, हम उसके हॉरिजेंटल हम इस लाइन को काटेंगे यहाँ से। हम लोगों ने लास्ट लाइन जो थी वो ए पे ड्रॉ की थी, ए पे हमने ए लाइंस के ऊपर हमने ग्लू अप्लाई की थी, लेकिन अभी हम जो हमारी फाइनल जो हम लोग लाइंस वो हम लोग बी के ऊपर अप्लाई करेंगे। इस तरह से हम इनको बी के ऊपर अप्लाई करते जाएंगे। और सर्कल जो है वो सेमी सर्कल जो हमारा दूसरा पड़ा हुआ है उसके ऊपर रख देंगे। तो मैं आपको इसको ओपन करके दिखाऊंगी। एज यू कैन सी इट इज सो मच ब्यूटीफुल एंड आप इसको डेकोरेशन के लिए यूज़ कर सकते हैं इन बर्थडे पार्टीज और एनी फंक्शंस। सो यही थी आज की वीडियो। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारी वीडियो को जरूर लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और नीचे कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स देना ना भूलिएगा। अंटिल नेक्स्ट टाइम, गुड बाय।